बेवकूफ मोर। एक जंगल में सोनू नाम का एक मोर रहा करता था। वह बहुत ही सुंदर था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत बेवकूफ भी था। सोनू को बेर खाना बहुत पसंद था। वो सिर्फ बेर ही खाया करता था और अच्छे अच्छे ताजे ताजे बेरों की तलाश में वो जंगल में काफी अंदर तक चला जाया करता था। सोनू की इस आदत से उसके सभी घर वाले परेशान थे और उसे हमेशा समझाते थे। एक दिन मोर की माँ ने कहा, बेटा सोनू, तुम ये घने जंगल में मत जाया करो, वहाँ शिकारी आते हैं, तुम कभी भी उनके जाल में फंस सकते हो। बेटा, मैं क्या करूँ माँ, यहाँ खाने को बेर ही नहीं है और मुझे बेर की तलाश में जंगल में ही जाना पड़ता है। सोनू किसी की बात नहीं मानता और वो बेरों की तलाश में घने जंगल में चला जाता है। वहाँ एक शिकारी ने अपना जाल फैला रखा था। मोर को देखकर वह शिकारी खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, देखो कितना सुंदर मोर खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। शिकारी ने सोनू मोर को देखते ही उसे पकड़ने के लिए जाल फेंका, लेकिन सोनू उसके जाल में ना फंसकर उसकी पकड़ से बच गया और उड़कर भागने लगा। शिकारी भी उसके पीछे भागा। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो, तुझे तो मैं पकड़ ही लूंगा। लेकिन सोनू तब तक भागता रहा जब तक शिकारी उसकी नजर से ओझल ना हो गया। लेकिन इस भागम भाग में सोनू को पता ही नहीं लगा कि वो जंगल के किस हिस्से में आ चुका है। चलो अच्छा हुआ जान बची, शिकारी तो अब दिखाई नहीं दे रहा। अरे लेकिन मैं यहाँ कहाँ हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनू धीरे धीरे उड़ता हुआ वहाँ से अपने घर की ओर चला, लेकिन रास्ते में खूब सारे बेरों की झाड़ियाँ देखकर उसका मन ललचाने लगा। अरे वाह, इतने मीठे बेर, चलो घर जाने से पहले खूब सारे बेर खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। और सोनू निश्चिंत होकर बेर खाने लगा, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि हवा में उड़ता हुआ एक बाज उस पर नजर रखे हुए था। अरे वाह, इतना मोटा ताजा शिकार, यह तो बेर खाने में मस्त है, यही सही समय है इसे पकड़ कर खाने का। बेर खाते सोनू को पता ही नहीं चला कि कब बाज उसके नजदीक आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि सोनू कुछ समझ पाता, बाज ने उसे अपने पंजों में जकड़ा और उड़ने लगा। छोड़ दो मुझे। लेकिन बाज ने उसकी एक ना सुनी और उसे मार कर खा गया। इस तरह सोनू को अपनी नासमझी और लालच की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। बेवकूफ शेर और चालाक औरत। एक घने जंगल में शेरू नाम का शेर रहा करता था। वह दिखने में जितना भयानक और खतरनाक था, उतना ही ज्यादा बेवकूफ और दिल का कमजोर था। शेरू को इंसानों के नजदीक जाना और उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता था। उसके बाकी सभी शेर दोस्त उसका मजाक उड़ाते और उसे हमेशा समझाते। अरे शेरू, तुम शेर हो, शेर की तरह रहो, क्यों इंसानों के बीच जाते हो, तुम कभी भी मुसीबत में फंस सकते हो। अरे नहीं जगरू, मुझे तो इंसानों को देखना अच्छा लगता है, मेरा तो दिल करता है कि किसी इंसान की लड़की से शादी कर लूं। शेरू की ये बात सुनकर उसके सभी दोस्त वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। एक दिन जब गांव में मेला लगता है तो शेरू सजे धजे लोगों को मेले में आता जाता देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी अचानक उसकी नजर एक औरत और उसकी बेटी पर पड़ती है। वे दोनों अकेले जंगल वाली पगडंडी से जा रहे थे। शेरू मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है, काश मेरी शादी इससे हो जाए। वो वहाँ से छलांग लगाकर उस औरत और उसकी बेटी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अपने सामने शेर को देखकर दोनों घबराकर कांपने लगती हैं। तभी शेरू कहता है,
मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनकर वह औरत घबरा जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो सोच समझ कर कहती है, देखो शेर महाराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को तुम्हारे तीखे पंजों और दांतों से डर लगता है। अगर तुम अपने दांत और पंजे कटवा कर कल हमारे घर आ जाओ ना, तो मैं अपनी बेटी की जरूर शादी कर दूंगी तुमसे, मैं वादा करती हूँ। यह सुनकर शेरू खुश हो जाता है और जंगल में जाकर अपने दांत और नाखून काट देता है। अगले दिन सुबह वो औरत के घर पहुंचता है और कहता है, लो मैं दांत और नाखून कटवा कर आ गया हूँ, अब तो तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दोगी ना। बिना पंजों और दांतों के शेर को देखकर वह औरत और बेटी जोर जोर से हंसने लगते हैं और शेरू को मार मार कर गांव से बाहर भगा देते हैं। इधर जंगल में वापस आने पर शेरू के बाकी सभी दोस्त भी उससे बात नहीं करते और उसे भगा देते हैं। अब शेरू समझ चुका था कि वो शेर है और उसे शेर की तरह ही रहना चाहिए, इंसानों की तरह नहीं। और अब वो फिर से अपने दांत और नाखून आने का इंतजार करने लगता है। समझदार कौन? एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो चालाक तो थी ही, लेकिन उसे बड़ी बड़ी डींगे मारने का बहुत शौक था। उसे सभी जानवरों के बीच अपनी गप्पे हांकने में बहुत मजा आता था। अरे हाथी महाराज, तुम्हें पता है कल मुझे शेर राजा ने बुलाया था और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना शिक्षा मंत्री बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया, मेरे पास भला समय ही कहाँ है। लोमड़ी की बातें सुनकर सभी जानवर उसके सामने तो हाँ में हाँ मिलाते, लेकिन पीठ पीछे उस पर हंसा करते थे। बड़ी आई शिक्षा मंत्री बनने वाली, शेर के सामने आते तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। चलो दोस्तों, अपने काम से काम करते हैं, बहुत सुन ली लोमड़ी की गप्पे। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। सियार और लोमड़ी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, वे दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते थे। एक दिन सियार ने जब जंगल के जानवरों को लोमड़ी पर हंसता हुआ देखा तो उसने लोमड़ी को समझाया, देखो लोमड़ी, तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों किया करती हो? सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। यह बात सुनकर लोमड़ी सियार से लड़ने लग जाती है और कहती है, तुम भी मेरी चतुराई और समझदारी से चलते हो, अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो चलो हो जाए मुकाबला कि कौन अधिक समझदार है। यह सुनकर सियार ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, बाद में झगड़ा कर लेना, लेकिन पहले कुछ खाने का इंतजाम कर लें। तभी उन्हें एक बैल दिखाई देता है, वो दोनों उसे खाने के लिए भी लड़ने लगते हैं। ज्यादा बैल तो मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। लोमड़ी, इतना घमंड ठीक नहीं, तुम चालाक हो लेकिन समझदार बिल्कुल नहीं। तभी अचानक वहाँ पर शेर आ जाता है और वो दोनों को लड़ता देखकर मन ही मन खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो बैल के साथ लोमड़ी और सियार को खाने का भी मजा आ जाएगा। तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? यहाँ सबसे समझदार तो मैं हूँ, तुम दोनों झगड़ना बंद कर दो। शेर को देखकर लोमड़ी डर के मारे चुप हो जाती है, लेकिन सियार शेर की मंशा समझ जाता है और होशियारी से कहता है, शेर महाराज, यह तो कुछ भी नहीं, हम लोग तो इससे बड़े शिकार के लिए लड़ रहे हैं, अब आप ही फैसला करें कि हम दोनों में समझदार कौन है। ठीक है, पहले मुझे शिकार तो दिखाओ, तभी मैं फैसला करूँगा। सियार बड़ी ही चतुराई से शेर को एक छोटी सी गुफा में ले जाता है और कहता है, महाराज शिकार इसके अंदर है। जैसे ही शेर गुफा में अंदर घुसता है, सियार एक बड़ा सा पत्थर लाकर गुफा का मुंह बंद कर देता है और लोमड़ी से कहता है, अब बताओ कौन अधिक समझदार है। लोमड़ी को अपनी गलती पर पछतावा होता है
और वो सियार से माफी मांगती है। दोस्त तुम ही अधिक समझदार हो, आज अगर तुम ना होते तो हम दोनों अपनी जान गंवा बैठते।